देखो कौन है अब एक ताला नहीं मार पा प्रणाम जी आप वहाँ पे खड़े रहो अध्यक्ष साहब ओ अध्यक्ष जी अब वहाँ पे खड़े रहो थोड़ा इनको ऐसे ऐसे में रहो आप लोग एक बढ़िया व्यू आ जाएगा आप लोग इधर कछुआ दे उधर हो जाओ ऐसे रहो हैं आप बीच में रहो बैनर तो तुम्हारा लग प्रधान संगठन प्रधान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें बीच में अभी हम यहाँ पे चमोली जिले के दोसली ब्लॉक में हैं जहाँ पे प्रधान संगठन ने अपने 12 सूत्रीय कार्यक्रमों के विरोध उसमें मांगों के समर्थन में तालाबंदी कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पे दसोली प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन कुंवर जी हैं। हम जानना चाहते हैं नयन कुंवर जी मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके तालाबंदी के? हमारे प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर पूरे विकासखंड में पूरे 13 के 13 जिलों में और हर विकासखंड में प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रधान लोगों की और ग्राम पंचायतों से संबंधित कुछ समस्याएं जिनके अस्थायी निराकरण के लिए हम सरकार से मांगे कर रहे हैं। उसमें विशेषकर सीएससी सेंटर के लिए जो हमारे केंद्र वित्त और राज्य वित्त से 2500 रुपये पर मंथ कट रहा है उसके विरोध में समस्त प्रधान संगठन ने इसका विरोध किया है और हम सरकार से अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो 2500 रुपये आप सीएससी सेंटर के लिए काट रहे हैं उसको तुरंत अविलंब उस आदेश को निरस्त करें और जो 2500 रुपये आप न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटर के लिए दे रहे हैं वो 2500 रुपए वहां से घटाकर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक सीएससी सेंटर खोला जाए ताकि वहां पर ग्राम पंचायतों काम भी आसानी के साथ हो जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों को रोजगार दे सकें। जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है वहां पर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे प्रवासी नागरिक आए हैं जिनके लिए रोजगार संवर्धन और रोजगार सृजन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि मनरेगा में जो 100 दिवस के कार्यक्रम का प्रस्ताव है उसको 200 दिन किया जाए। आज जहां लोग सिर्फ 20,000 महीने में टैक्स भर रहे हैं वहां हमको साल भर में 20,000 रुपया जीवन स्तर उठाने के लिए दिया गया है। मुझे लगता है कि ये नाकाफी है इसलिए हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं। मुख्य बिंदुओं पर अगर आए तो ग्रामीण विकास को मैं रोड़ा अटकाने के लिए कौन से कारक आपको दिखाई दे जिससे ग्रामीण विकास अवरुद्ध हो रहा है? मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सीएससी की जो व्यवस्था हुई है मनरेगा से संबंधित जो व्यवस्था है सारे केंद्र सरकार के स्तर पर ही मुझे लगता है ये प्रस्ताव किया क्योंकि मनरेगा केंद्र का विषय है सीएससी केंद्र का विषय है। जो केंद्र में जो हमको केंद्र वित्त का अंश मिल रहा है राज्य वित्त का अंश मिलता है इसमें भी केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका होती है और ये जो कटौती लगातार हो रही है जो कंटरजेंसी फंड में कटौती हो रही है वो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों के विकास को अवरुद्ध कर रही है। इसलिए समस्त प्रधानगण जो है आक्रोशित हैं और सब लोग एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल से ये मांग कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के स्वावलंबन के लिए ग्राम पंचायतों के स्वायत्त के लिए ये काम होना चाहिए। जो मांगें हमारी हैं 12 सूत्रीय मांगें उसकी पूर्ति हर हाल में हो जानी चाहिए। पंचायती राज एक्ट क्या इसको लागू करने के लिए प्रधान संगठन कार्य कर रहा है? बिल्कुल जो पंचायती राज 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है हम चाहते हैं कि उसमें जो 29 विषय ग्राम पंचायतों के अधीन होने चाहिए थे उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को अपने पंचायत राज एक्ट को लागू करना चाहिए और जो 29 विषय हैं ग्राम पंचायतों के अधीन उनकी जो स्वायत्तता है उनका जो स्वामित्व है वो ग्राम पंचायतों को अभी तक नहीं मिला ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपकी तरफ से आप पूछ रहे कुछ हो गया हाँ थैंक यू।